हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी के लड्डू, और अलसी के लड्डुओं की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ठंडियों में अलसी के लड्डू तो खाने ही चाहिए। अलसी के हो गए, तिल के हो गए, गोंद के लड्डू हो गए, तो ये सारे लड्डू बनाने चाहिए। पर आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी के लड्डू। तो मैं बना रही हूँ और आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और लड्डू ट्राई कीजिएगा। और सच मानिएगा, लड्डू अगर मैं जिस तरीके से बना रही हूँ आप भी बनाएंगे, इजी तो लगेंगे ही और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। तो चलिए बनाते हैं अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू के लिए हमें चाहिए ये है अलसी, और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और अलसी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। और ये गुड़ है, आटा था, और नारियल और बादाम, नारियल सूखा नारियल है जिसे मैंने मिक्सी में घिस लिया है, बस इतनी सामग्री चाहिए। और इसमें किशमिश भी डालना है जो मैंने रखा नहीं है। अब एक कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई गर्म करने के बाद इसमें अलसी डाल लेंगे। अलसी की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि अलसी के लड्डू हैं और सबसे ज़्यादा टेस्ट अलसी का रहेगा। तो अलसी को अच्छे से फ्राई करेंगे, ये पॉप अप होते हैं, और अच्छे से फ्राई होने के बाद ही इनको इस्तेमाल करना है, नहीं तो ये डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं। तो ये देखिए, अलसी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये कलर अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन अच्छे से फ्राई करना है। अब उसी बर्तन में सूखा नारियल जो मैंने मिक्सी में घिसा था, मतलब मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब थोड़ा सा घी डाल के इसके अंदर हम अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी के ले सकते हैं, मैंने बादाम लिया है और किशमिश लिया है। और अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें थोड़े से किशमिश मिला लेंगे, और साथ ही दोनों को मिक्स कर लेंगे। घी अगर ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ड्राई फ्रूट्स जलने लगते हैं, इसीलिए मीडियम आंच पे गर्म कर लेना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब उसी पैन में घी लेके थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे 1 कप आटा। ये गेहूं का आटा है, और गेहूं के आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, जब तक गेहूं का आटा और घी दोनों फ्राई होके खुशबू ना छोड़ने लगे। ये देखिए, ब्राउन हो गया आटा। अब 1 कप गुड़, उसी पैन में 1 कप गुड़ और 1 कप पानी। मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है जो इनफ है, जितना मैंने अलसी लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिए, ज़्यादा मीठा पसंद है लड्डुओं को गुड़, क्योंकि हानि नहीं करता है। ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा गुड़ डाल सकते हैं, कम पसंद है इसे और कम कर सकते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारे पे डिपेंड करती है कि हम किस तरह का खाना पसंद करते हैं। तो गुड़ की कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस दोनों को मेल्ट करना है। देखिए, दोनों मेल्ट हो गए हैं अच्छे से और थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम एक परात में सारा सामान डालेंगे जो जो हमने फ्राई किया है, जैसे अलसी का पाउडर बना लिया हमने, और उसके बाद नारियल, ड्राई फ्रूट्स और आटा, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो गरम गरम चाशनी है, ठंडा करके भी लड्डुओं को बना सकते हैं, पर मैं गरम गरम बांध रही हूँ लड्डुओं को। गरम गरम चाशनी थोड़ी थोड़ी डालते हुए लड्डुओं को बांधना स्टार्ट करेंगे। तो ये गरम होने के कारण थोड़ा हैंडल करने में मुश्किल हो रहा है, बस अब चाशनी के साथ लड्डुओं को बांधेंगे और वो इजीली बंध भी जाते हैं, क्योंकि इसमें आटा है, उसमें ग्लूटेन होता है, तो वो बाइंड करने में मदद करता है। और ये देखिए, इजीली हमारे लड्डू बनने स्टार्ट हो गए हैं। ये मेरा पहला लड्डू बन गया है, और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये लड्डू। बस इसी तरह सारे लड्डुओं को बांधना स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही जल्दी ये लड्डू बन के स्टार्ट हो जाते हैं, लड्डू बन के रेडी हो जाएंगे। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा,
और आप भी ट्राई कीजिए लड्डुओं को, और ठंडी के मौसम में लड्डुओं का मज़ा लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।